कहता है सोर्स एस वन प्रोड्यूस, देखो हम लोग पास दो सोर्स है बच्चों, ये एक जो सोर्स है ये वाला जो सोर्स है वो एस वन है और ये प्रोड्यूस करता है 10^15 फोटॉन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ का 500 एंगस्ट्रॉन के फोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनका दिया हुआ है वो मैं मान लेता हूँ दिया हुआ है 10^15। चलो अब दूसरे सोर्स की बात करो, यहाँ पर हमारे हम लोग पास दो सोर्स हैं, ये वाला जो दूसरा वाला सोर्स है प्यारे बच्चों दिस सोर्स, ये कहता है कि एनदर सोर्स प्रोड्यूस 1.02 × 10^15 फोटॉन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, तो अब इसकी वेवलेंथ 500 लैम्डा, इतना एंगस्ट्रॉन के लैम्डा के फोटॉन्स रिलीज कर रहा बहुत सारे। तो कह रहा है इस सोर्स का जो पावर है वो एस वन है और इस सोर्स का पावर एस टू है, तो उन दोनों एस टू अपन एस वन की कैलकुलेशन करनी है, एस टू अपन एस वन की कैलकुलेशन हम लोग को करनी है। हम सबको पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो होता है वो होता है पी लैम्डा अपान एच सी, इसको डायरेक्ट याद कर लो। तो पी लैम्डा अपान एच सी, यहाँ से इसको अगर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट केस में एन वन, तो एन वन इज इक्वल टू पी वन लैम्डा वन और एच सी तो कॉन्स्टेंट रहेगा पहले सोर्स के लिए, और एन वन क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, उसी तरह से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड सेकेंड केस में मैं उसको एन टू दे देता हूँ, दूसरे का पावर पी टू लैम्डा टू और ये आ जाएगा एस सी, और ये इक्वेशन नंबर टू। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा दूसरा वीडियो देख लेना मेरा। तो ये एन वन अपन एन टू की जो वैल्यू आ जाएगी, पावर ऑफ द सोर्स पूछ रहा है ना, तो यहाँ से पावर ऑफ द सोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर ऑफ द सोर्स प्रोपोर्शनल है एन अपॉन लैम्डा के, तो पावर पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, यहाँ से पावर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। अब कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट वैल्यू रख दो एन वन एन टू, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है और ये हम लोग का सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। तो दूसरे वाले के डेटा रखो, एन टू की वैल्यू रखो, दूसरे केस में नंबर ऑफ फोटॉन कितना था 1.02 × 10^15, देखो यहाँ 15 है, और पहले वाले की लैम्डा रखो तो पहले वाले की लैम्डा 5000 है, एंगस्ट्रॉन में चलेगा और ये एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉन डिवाइड कर देगा एन वन, पहले वाले का देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया था कितना था, यह था 10^15 और दूसरे वाले की वेवलेंथ 5100 ये एंगस्ट्रॉन। तो अब इसको एक काम करना, इसको हम लोग को कैलकुलेट कर लेना, काट लेना, दो जीरो ने दो जीरो को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से 10^10 ये कितना था, 10^15 था, हाँ ये दूसरे ये 10^15 था, 10^15 ने 15 को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 0 और ये 1 और ये 5, तो 5 ये आ जाएगा हम लोग का 5.15.1, मतलब कुल मिला के कट गया 1। तो जो पावर है दोनों वो उन दोनों का 1 आ रहा है, मतलब 1:1, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही है ये वाला, इसको अच्छे से टिक कर लो।